मास और पुली सिस्टम के लिए बात करेंगे, स्ट्रिंग पुली सिस्टम के लिए बात करेंगे। तो अगर देखा जाए इस मास M1 पर, तो M1 पर इधर फोर्स लगेगा M1g, ठीक है। और ये स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग दिया है, जिस स्ट्रिंग का मास क्या है, जीरो है। एंड यू कैन सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। हम देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन शो कर रही है वो किस पर, टेंशन की डायरेक्शन शो कर रही है इस पर, ठीक है। और ये जो टेंशन की डायरेक्शन शो कर रही है वो किस पर, ये इस पर फोर्स की डायरेक्शन शो कर रही है, इस M2 पर, ठीक है ना। और हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से बोल सकते हैं कि अगर ये A से इधर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये भी A से हम ये इधर जाएगा, कंस्ट्रेंट हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। ये जो है M2 वो किससे अटैच्ड है, इस ग्राउंड से भी अटैच्ड है। देन वी कैन से ग्राउंड विल एग्जर्ट अ नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एंड M2g विल एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है ना। अगर मैं M1 को देखूं, सो देन यू कैन सी दिस इज M1 एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दिस इज M1g एंड अपवर्ड डायरेक्शन दिस इज t एंड इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a। नाउ यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। यहां देख सकते हैं कि नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स इस पर जो लिखेंगे हम वो नीचे की तरफ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है, एक्सेलरेशन मान लीजिए हमने नीचे की तरफ माना है, तो हमको नेट फोर्स लिखना है, वो हम नीचे की तरफ लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि M1g माइनस टी, ये क्या है, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन एम वन एंड इक्वल टू मास एम वन इन टू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स और ए की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सेम रहेगी, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इफ आई टॉक अबाउट द एम टू, इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द एम टू, देन वी कैन से दिस इज द टेंशन टी एंड अपवर्ड डायरेक्शन दिस इज नॉर्मल एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दिस इज एम टू इन टू जी and this M2 is moving in this direction with acceleration A. Now you can see if I say कि on M2 horizontal direction में कितना force है, net force in horizontal direction which is T, and horizontal direction में इसी direction में इसके पास में acceleration कितना है A, तो हम लिख सकते हैं M2 into A. So this is second equation. इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर मैं लिखूं तो देख सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई भी मोशन नहीं है, देन वी कैन से वर्टिकल डायरेक्शन के नेट फोर्स क्या होंगे, इक्वल तो n इक्वल टू m2 इनटू g, सो दिस इज n इक्वल टू m2 इनटू g, इसमें कोई शक नहीं है। नाउ यू कैन से अगर मुझे एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है, जो कि एक्सेलरेशन और टेंशन हमारा वेरिएबल है, देन वी कैन से हमारे पास दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन और दो अननोन है, तो हम निकाल सकते हैं T की वैल्यू, हम इसमें रख देंगे T की वैल्यू, हमने जैसे इसमें रखी तो देखो क्या मिला हमको, M1g minus T is M2a which is equal to M1a। जब इसमें हमने T का वैल्यू रखा which is M2a, यहां पे M2a रखा तो ये M2a, ये M1g equal to M1 into a, तो यहां से देख सकते हैं कि M1g equal to M1 plus M2 into a। So now you can see the acceleration is equal to m1g upon m1 plus m2। So now हम कह सकते हैं कि acceleration ये निकल आया, जब acceleration निकल आया तो tension हमारा क्या होगा, tension होगा m2 into acceleration, और acceleration क्या है हमारा, m1g upon m1 plus m2, तो tension हमारा आ गया m1 m2 g upon M1 plus M2। So this is the value of tension. This is the value of tension. So एक और कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, और इससे पहले आपको मुझे एक बात बतानी होगी, आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या मैं इसको सिस्टम मान सकता हूं, क्या मैं इन दोनों को एक सिस्टम का पार्ट मान सकता हूं, क्या मैं इन दोनों को एक सिस्टम का पार्ट मान सकता हूं क्या, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग है। अब आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन अलग कहां है, एक्सेलरेशन ऑफ वन का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन ऑफ टू के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, जो कि कितना ए है।
मतलब इनका एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट द डायरेक्शन क्या है अलग अलग है. इसकी डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या है राइट की तरफ. समझ आ रही है. अगर मैं इसे वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस मान लूं तो इसके एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, इसके एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ. इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है. इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग है. इसलिए हम दोनों को सिस्टम तो नहीं मान सकते. पर सिस्टम नहीं मान सकते तो भी हम एक ट्रिक से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्टली अगर हमें ये निकालना है, डायरेक्टली हमें एक्सेलरेशन निकालना है विदाउट विदाउट दिस टू इक्वेशंस. ठीक है ना. इन दो इक्वेशंस के अलावा अगर हमको इन दो इक्वेशन लिखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कुछ हो सके कि डायरेक्ट मैं एक्सेलरेशन लिख सकूं, तो वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं. तो देखो, देखिए मैं अगर इसको ऐसा करूं कि ये आपका m2 और इसको मैं m1 के साथ कनेक्ट कर लूं और m1 पे इधर फोर्स लगा दूं, जो कि लगा दूं m1g. मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसको मैंने ऐसे रख लिया जिस पर ये m1g फोर्स है और इस पर कोई फोर्स नहीं है, इस पर ओनली टेंशन है. समझ आ रही है. और वो कितना है t है. ठीक है. अब मैं क्या कर सकता हूं कि इसको मैंने बेसिकली ऐसे लिख लिया. इसको मैंने कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया. ठीक है. इसको हमने ऐसे लिख लिया मतलब इस पर जो फोर्स ये लगाया है वो क्या लगा दिया m1g. ऐसे लिख लिया. और अब हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे इस सिस्टम का और अब हम टेंशन स्ट्रिंग में निकालेंगे. तो आप देखोगे कि ये टेंशन और ये इसका जो इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आएगा वो बिल्कुल सेम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू के आएगा. मतलब एक्सेलरेशन का यहां पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बिल्कुल इस मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा. तो अगर हम इसे ऐसा रख रहे हैं बस एक ट्रिक है जिससे हम इसको ऐसा रख लेते हैं और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू इसकी आती है वो सेम ही आती है जो हमने यहां पे निकाली है. इसलिए हमने इसको ऐसे रख लिया है. ऐसा मत सोचिए कोई नई चीज है, ये नई चीज नहीं है. समझ आ रही है. हमने बस इस चीज से और इस चीज से एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आती है इसलिए हमने इसको ऐसे रख लिया कि जो इस पर नीचे फोर्स लग रहा था m1g उसको इसको इधर लगा दिया और इनको दोनों को हॉरिजॉन्टल में रख दिया. हॉरिजॉन्टल में रख दिया तो हम क्या कह सकते हैं, हम सिस्टम वाला कंसेप्ट यहां पे यूज कर सकते हैं. कैसे, कि इसको हमें पता है कि जब ये ए से जाएगा तो ये भी ए से जाएगा. तो हम इसको क्या मान सकते हैं, एक सिस्टम. और सिस्टम कितने से जा रहा है, ए से. और सिस्टम पे फोर्स कितना है, m1g नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा बोलो, इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. तो सीधा कितना आ गया, m1g अपॉन m1 प्लस m2. सो डायरेक्ट एक्सेलरेशन यहां से हमारा कैलकुलेट होके आ गया. और देखो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दोनों सेम है. समझे. तो हम ऐसी चीज को ये पे बना के लिख सकते हैं और यहां पे सिस्टम का वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. अगर मैं पुली को देखूं यहां पे, तो देखो पुली के साथ क्या हो रहा है, पुली पे इधर कितना लग रहा है टेंशन टी. ठीक है. और इधर पुली पे क्या लग रहा है, इधर टेंशन टी. तो पुली जिस हिंज से जुड़ी हुई है इस हिंज पे भी तो नेट फोर्स आएगा. और इस हिंज पे मैं आपको बता दूं कि नेट फोर्स किधर आता है, इधर. समझ आ रही है. और वो कितना आता है, ये टी और ये टी 90 डिग्री पे है तो इसलिए जो नेट आता है वो रूट टू इंटू टी आ जाता है. जब हिंज पे पुली कितना रूट टू इंटू टी लगा रही है तो हिंज भी तो पुली पे कितना लगाएगी, रूट टू इंटू टी बाय द कंसेप्ट ऑफ या बाय द लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ. समझ आ रही है. सो वी कैन से हिंज will apply the same amount of force on the pulley which is root 2 into t. समझ आ रही है. और t की वैल्यू हमने निकाली रखी है, t की किधर है, किधर है, मिटा दी. समझ आ रही है. तो ऐसे हम कह सकते हैं कि t की वैल्यू निकाली रखी है और हमको पता है कि ये जो फोर्स है वो पुली के द्वारा हिंज पे है तो हिंज भी तो पुली पे लगाएगी और वो कितना फोर्स हो जाएगा, root 2 into t. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिखिए. सो एटवुड मशीन क्या है, you can see if this is the pulley and this is mass m1
एंड दिस इज मास m2, ठीक है, तो क्या होगा, ये मास m2 और m1 क्या है, अलग अलग है। मान लीजिए m2 क्या है, ग्रेटर देन m1, तो हम कह सकते हैं कि नीचे यहां पे फोर्स लगेगा, मान लीजिए m2g, और यहां पे फोर्स लगेगा m1g, तो हम कह सकते हैं क्लियर कट कि ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि m2 हमने बड़ा मान रखा है, तो इस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, इस पर कम है, तो इसलिए ये ऊपर जाएगा। तो मैं मान लू कि ये एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक्सेलरेशन a से ऊपर जाएगा, कंस्ट्रेंट से बोल सकते हैं, कंस्ट्रेंट हमने इतना अच्छा पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें टेंशन कितना t, और इसमें भी टेंशन कितना t, t क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, एंड उसके साथ साथ में इसका मास जीरो है, ठीक है ना। देन वी कैन से टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए इसके लिए इक्वेशन अलग बनाएंगे, इसके लिए इक्वेशन अलग बनाएंगे। तो मान लीजिए मास m1 को देखो, दिस इज मास m1, ऊपर की तरफ क्या है t, नीचे की तरफ क्या है बोलो m1g, और एक्सेलरेशन इसका कितना है a ऊपर की तरफ। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स मुझे ऊपर की तरफ ही लिखना पड़ेगा। नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या होगा, टी माइनस एम वन जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एम टू, देन दिस इज एम टू, एंड अपवर्ड डायरेक्शन विच इज टी, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज एम टू इंटू जी, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ एम टू इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमको नेट फोर्स भी क्या लिखना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमको लिखना पड़ेगा एम टू जी माइनस टी। ये क्या है, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और विच विल बी इक्वल टू द मास मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज ए। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, इस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन से हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ठीक है ना। तो अभी हम फर्स्ट प्लस सेकेंड कर रहे हैं, क्या फर्स्ट प्लस सेकेंड, और जब हमने फर्स्ट प्लस सेकेंड किया, तो जब LHS को देखिए, LHS इसकी, इसकी LHS, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट को मैं यही रख लेता हूं, T minus M1G equal to M1 into A, this is first equation, यहां से उठा के मैंने यहां रख ली। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं LHS में, देखो LHS में ये T से T कट जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, M2 into G और माइनस M1 into G equal to, यहां पे जब ऐड करूंगा तो M1 plus M2 into acceleration। So now we can say acceleration will be equal to M2 minus M1 into G upon M1 plus M2। So this is the acceleration। If I talk about the tension, तो A की value 1 में उठा के रख दीजिए, तो 1 में उठा के किसकी value रख दी हमने, A की, तो देखो क्या आएगा, T minus M1G equal to M1 into acceleration, और acceleration क्या है, M2 minus M1 into G अपॉन एम वन प्लस एम टू। इसमें हम t को क्या लिखेंगे, t इक्वल टू हम लिख सकते हैं, t विल बी इक्वल टू एम वन प्लस एम वन एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी। ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, ये एम वन जी को इधर पहुंचा दिया, और इसमें से जी कॉमन ले लिया, और जी कॉमन ले लिया तो एम वन यहां पर, और ये वाला एम वन यहां पर, ये एम टू माइनस एम वन यहां पर, ये एम वन प्लस एम टू यहां पर, समझ आ रही है किसी को, मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एम वन एम टू क्या ले रहा हूं मैं, एलसीएम। तो अगर मैंने एम वन प्लस एम टू क्या लिया, एलसीएम, एम वन प्लस एम टू एलसीएम लिया, तो ये देखो इसके नीचे क्या है, वन है, समझ आ रही है, एम वन एम टू एलसीएम लिया, तो इसके साथ में अब ये क्या मल्टीप्लाई होगा, m1 प्लस m2, तो यहां पे आपका आएगा m1 स्क्वायर प्लस m1 m2, ठीक है। अब ये क्या आएगा, मतलब इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, 1, तो हम कह सकते हैं ये आएगा आपका m1 m2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m1 स्क्वायर, तो ये आपका आ गया, और इंटू जी ये आपका आ गया, तो m1 स्क्वायर से m1 स्क्वायर गया, और यहां से आपका जो टेंशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, m1 m2 plus m1 m2 कितना, 2m1 m2 into g upon
M1 प्लस M2. तो एटवर्ड मशीन के लिए जो टेंशन की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2M1 M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2. तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है, एटवुड मशीन के लिए दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. एक्सेलरेशन की वैल्यू आई आपकी M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2, और टेंशन की वैल्यू आपकी आई 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी. तो आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है. जिसका मास बड़ा होता है वो क्या होता है, M2 माइनस M1. जिसका मास बड़ा उसमें से हम छोटे मास को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना. तो यहां पे ये आपको याद होने चाहिए दोनों फॉर्मूले फॉर द एटवुड मशीन. एटवुड मशीन यही सिस्टम है जिसमें दो मास और एक पुली का सिस्टम होता है, ठीक है. तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. अब इसका भी एक अल्टरनेटिव है जिससे हम, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को रखा था ऐसे ही इसको भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, नीचे, इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर है. तो हम इन दोनों को एक सिस्टम का पार्ट तो नहीं मान सकते, बट एक काम कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे मान सकते हैं, सुनो, कि देखो ये आपका क्या है M1, ये आपका क्या है M2, इस पर कितना लगा दो M2G, और इस पर कितना लगा दो M1G. तो बेसिकली हम इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे रखेंगे तो अब हम क्या मान सकते हैं कि जब ये इधर मूव करेगा तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका भी ए होगा, तो इस सिस्टम का भी कितना होगा, ए होगा. तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसे अगर सिस्टम मानना है तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, बोलो, M2G माइनस M1G अपॉन टोटल मास कितना, M1 प्लस M2 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन. तो ऐसे सिस्टम का हम एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट ये अल्टरनेटिव है ये, जिससे हमने क्या है इनको कैसे ऐसे ऐसे उठा के क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया. समझ आ रही है, ऐसे उठा के क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया, जिससे कि आंसर जो आया है, आंसर जो आया है वो क्या है, सेम ही आया है. सो इसलिए हमने इसको रखा है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है, ठीक है. लिखिए, सो दिस इज द क्वेश्चन, एंड इसमें क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg, आपको ये आपको निकालना है, ठीक है. तीन क्वेश्चन है जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg निकालना है एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है. तो यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां देख सकता हूं इस ब्लॉक को अगर देखा जाए तो उस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, मुझे बताइए. नीचे की, अगर मैं कहूं नीचे की तरफ इस पर फोर्स जो है वो है 20 × g, और इस वाले ब्लॉक पर किधर है नीचे की तरफ, इस पर भी 5 × g है, कितना है 5 × g. इफ आई टॉक अबाउट द टेंशन, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है टी, ऐसे इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है टी, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक ही है तो इसमें भी कितना है टी, सिंपल. अगर मैं मानू कि इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं इधर है, वो है मान लीजिए A1, इसका एक्सेलरेशन A1 इधर है, और मैंने ये मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन A2 इधर है, ठीक है. और A1 और A2 में रिलेशन निकालना तो हमको आता है, क्योंकि इतना हमने कंस्ट्रेंट पढ़ा है. तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हमें पता है कि A1 A2 में हम आसानी से रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है. तो जब ये A1 से इधर जाएगा ये ब्लॉक, ये पुली क्या फिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो स्ट्रिंग है, वो भी इधर कितने से, ए से जाएगी. तो मतलब हम क्या कहें कि ये अगर पुली को देखें, ये पुली को देखें, तो इसका ये पॉइंट इधर कितने से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से, मतलब A1 एक्सेलरेशन से, और इसका ये जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि ये अटैच्ड है, ठीक है ना. और इसका ये जो पुली का ये वाला एक्सेलरेशन कितना है, A2. तो बताइए मुझे A1 A2 में रिलेशन. तो हम कह सकते हैं कि A1 प्लस 0/2 इज इक्वल टू A2, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, पुली का एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ, समझ आ रही है. और इसके इस पार्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A1, इस पार्ट का भी 0 है, तो हम कह सकते हैं कि A1 इक्वल टू 2A2. ये रिलेशन तो हमारा A1 एंड A2 में आ गया, ठीक है.
मुझे नहीं लगता कि कोई आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। इसका दूसरे तरीके से कैसे रिलेशन निकाला जा सकता था, हम पॉइंट मेथड यूज कर सकते थे। क्या यूज कर सकते थे? पॉइंट मेथड। तो पॉइंट मेथड में क्या होता बोलो, यहां पे ये रिलेशन आ गया। पॉइंट मेथड क्या होता बोलो, पॉइंट मेथड में हम क्या करते बताइए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए वन, ये पॉइंट टू, ये थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, एंड वी नो वी वन, वी वन यहां पे एक्सेलरेशन है तो ए वन लिखेंगे। तो ए वन एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट वन विच इज ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, यही होना चाहिए। ऐसा करो, इसको ए वन मत मानो, इसको मान लीजिए आप, इसको भी ए टू मत मानो, इसको मान लीजिए आप ए फाइव के जी, ठीक है ना, और इसको मान लीजिए ए ट्वेंटी के जी, समझ आ रही है, ऐसे कुछ मान लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि इस पॉइंट का बताइए एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, कितना है वो, ए ट्वेंटी के जी, और इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है, इसलिए हम ए वन की जगह क्या लिखेंगे, प्लस ए ट्वेंटी के जी। ए टू की जगह जीरो, क्योंकि पुली क्या है, रुकी हुई है, फिक्स्ड है। ए थ्री भी जीरो, ठीक है ना, और ए सिक्स भी जीरो, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो ए टू जीरो, ए थ्री जीरो, और ए सिक्स भी क्या है, जीरो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ए फोर, तो हम कह सकते हैं जब फाइव के जी, ए फाइव के जी से ऊपर जा रहा है, तो ये भी कितने से जाएगा, ए फाइव के जी से ऊपर, ये भी ए फाइव के जी से ऊपर, तो हम कह सकते हैं जो ए फोर है वो कितना होगा, ए फाइव के जी, जो कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ को कम कर रहा है, इसलिए हम क्या लेंगे इसको, माइनस ए फाइव, माइनस ए फाइव के जी, ठीक है। और ऐसे हम यहां देखें तो ये भी हम बिल्कुल एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि ये फाइव है, ये पॉइंट फाइव, इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा, वो कितना होगा, ए फाइव के जी, और जो स्ट्रिंग की लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं माइनस ए फाइव के जी, तो इसकी वैल्यू भी यही आ जाती है, इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं ए ट्वेंटी के जी इज इक्वल टू टू इंटू ए फाइव के जी। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड इक्वेशन, तो देखो ये ट्वेंटी के जी को देखो, ट्वेंटी के जी पर ऊपर की तरफ कितना टेंशन है, टी है, और नीचे की तरफ कितना है, ट्वेंटी जी क्या है, फोर्स है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ, जो कि कितना है, ए ट्वेंटी के जी, ए ट्वेंटी के जी नीचे की तरफ, ठीक है ना। हम देख सकते हैं कि अगर इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो हमें पता है नीचे की तरफ नेट फोर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने नीचे की तरफ माना है। तो हम कह सकते हैं ट्वेंटी जी माइनस टी इक्वल टू मास ऑफ ट्वेंटी के जी, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, ट्वेंटी के जी है, तो मास ऑफ ट्वेंटी के जी इज ट्वेंटी इंटू ए इंटू 20 kg, तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड इक्वेशन, देन वी कैन से वी विल मेक द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 5 kg, देन वी कैन से ऊपर की तरफ इस पर क्या लगेगा, टेंशन। देखो जब ये टेंशन T है, ये टेंशन T है, तो हम कह सकते हैं कि इस पुली पे यहां पे टेंशन कितना रहेगा, 2T, इस पे टेंशन यहां पे कितना रहेगा, 2T, और उसका रीजन भी है, उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों होगा 2T, यहाँ पे टेंशन कितना 2T हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये 2T, ठीक है, और यहाँ पे 2T, और नीचे पे, नीचे क्या है 5G, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है, A 5 kg, कितना है A 5 kg, तो इसका लिखेंगे अपन ऊपर की तरफ नेट फोर्स विच इज 2T माइनस 5G इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन विच इज A 5 kg, तो दिस इज थर्ड इक्वेशन। हमारे पास तीन इक्वेशन हो गई, और तीन हमारे पास अननोन है, अननोन क्या क्या है, ए 5 kg, ए 20 kg एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना। तीन इक्वेशन, तीन अननोन हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको मैं ये बताता हूं पुली का, ये देखो पुली, पुली पे इधर टेंशन है टी, और इधर टेंशन है टी, और मुझे यहां पर टेंशन निकालना है कि यहां पर टेंशन कितना होगा, ठीक है ना, यहां पे टेंशन कितना होगा। मान लीजिए ये टी डैश है, ठीक है, पुली का मास कितना है, जीरो, क्योंकि मासलेस पुली लिए है, तो हम कह सकते हैं कि अगर इस पे नेट फोर्स ऐसे लिखा
टी डैश माइनस टू टी इक्वल टू मास इंटू इसका पुली का एक्सलेशन, बट मास क्या है जीरो, तो इसलिए कह सकते हैं टी डैश इक्वल टू टू टी. सो वी कैन से टी डैश इक्वल टू टू टी. तो ऐसे हमने यहां पे क्या लिख दिया पुली के लिए, मास इस पुली का जीरो, इसलिए टी ऊपर तो यहां पे कितना टू टी. समझ आ रही है? सो लाइक दिस हमने यहां पे ये लिख दिया है. तो तीन इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है और तीन आपको अननोन निकालने हैं. यहां पे आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है, लिखिए. अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने वाला हूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अब तक हम पॉइंट मेथड यूज करते आए हैं जिनमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्किंग करते हैं, फिर हम क्या निकालते हैं एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ये है, इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन ऐसे निकलेगा. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें भी हमने एक्सेलरेशन जो थे उनमें रिलेशन निकाला था. तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं अब मेथड एक कराने वाला हूं उस मेथड से पॉइंट मेथड बहुत टफ है. मतलब उस मेथड से पॉइंट मेथड बहुत टफ है. इसका मतलब जो अब मैं मेथड कराने वाला हूँ वो इतना सिंपल है कि आपको झट से रिलेशन दे देगा, वो आपको झट से रिलेशन दे देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना जल्दी रिलेशन दे देगा कि आप पॉइंट मेथड कभी आप यूज करोगे नहीं. समझ आ रही है? और मैं कहूँगा कि आप पॉइंट मेथड कभी यूज मत करना इस मेथड को सीखने के बाद, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम सेव करता है ये, बहुत टाइम सेव करता है. मैं आपको बताता हूँ वो क्या है. वो है वर्चुअल वर्क मेथड. क्या है? वर्चुअल वर्क मेथड. ये बेसिकली क्या है, एक अल्टरनेटिव वे है जो कि आपको रिलेशन निकाल के देता है, किसमें, एक्सेलरेशंस में, वेलोसिटीज में. समझ आ रही है? जैसे कि हमारा पॉइंट मेथड देता है. किसका पार्ट है ये? कंस्ट्रेंट का पार्ट ही है, कंस्ट्रेंट का पार्ट ही है, ठीक है ना. तो पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो है, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये जो है बेसिकली वर्क पावर एनर्जी में थोड़ा बहुत बताया जाता है, बट यहां पे यूज होता है इसलिए मैं आपको बता देता हूं. मैं आपको बता दूं वर्क पावर एनर्जी में हम क्या पढ़ते हैं, वर्क डन पढ़ते हैं, किसी भी फोर्स का वर्क डन पढ़ते हैं. आज आप पे नहीं आता तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना. फाइनल रिजल्ट क्या आते हैं उनको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, डेरिवेशन भी बताऊंगा, लेकिन आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आता तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी आपने वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़ी है, उसके बाद आप डेरिवेशन को भी समझ जाओगे. तो पर मैं फिर भी अभी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है. मैं आपको कह रहा हूं कि जो टेंशन होता है ना, टेंशन, जैसे कि ये हम कहें ये कोई पुली है और ये हमारा क्या है M1 और ये क्या है हमारा M2. यहां पर टेंशन क्या है T1, माने T है टेंशन, यहां पर T है और यहां पर भी टेंशन क्या होगा T, ठीक है. और मैं कहूं कि इसका एक्सेलरेशन इधर है आपका ए और इसका एक्सेलरेशन इधर होगा ए, ये तो हमें पता ही है. मैं सिंपल सी आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो ये है वर्चुअल वर्क मेथड. वो ये है कि वर्क डन बाय द टेंशन, वर्क डन बाय द टेंशन, नेट वर्क डन बाय द टेंशन, नेट वर्क डन बाय द टेंशन इन विल बी जीरो. ये देखो टेंशन बेसिकली क्या है, इंटरनल फोर्स है, और उस इंटरनल फोर्स का वर्क डन हम क्या कह रहे हैं, नेट वर्क डन बाय द टेंशन क्या होगा जीरो. ये पूरा सेटअप है, तो इस पर वर्क डन बाय द टेंशन क्या होगा जीरो. तो देखो वर्क डन बाय द टेंशन क्या होता है, टी वेक्टर टेंशन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको हम जीरो कहेंगे, लेकिन इसका क्या सम, मतलब सम क्या कि इस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल, तो इस पर वर्क डन बाय द टेंशन प्लस इस पर वर्क डन बाय द टेंशन, ये क्या होना चाहिए, ये जीरो होगा. समझ आ रही है? सिस्टम में मान लो चार पार्टिकल्स हैं, तो चार पार्टिकल्स पे हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द टेंशन लिखेंगे. क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द टेंशन लिखेंगे चारों पार्टिकल्स पे, ठीक है, और उन सब का सम क्या कर देंगे हम, जीरो के इक्वल कर देंगे. वो हम बाद में इसका डिटेल में और जाएंगे, वो बाद में जाएंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि टेंशन का जो नेट वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो. मान लीजिए उसमें एन नंबर्स, एन पार्टिकल्स हैं किसी भी एक सेटअप में, तो हम क्या कहेंगे कि टी वन, मतलब टी तो हमारा टी वन एक्स वन प्लस टी टू एक्स टू प्लस टी थ्री एक्स थ्री, ऐसे ऐसे चलते जाएगा और विल बी इक्वल टू जीरो.
टोटल वर्क डन बाय द टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। जितनी भी रस्सी लगी हो एक सिस्टम में, जितनी भी रस्सी लगी हो, जितनी भी स्ट्रिंग्स लगी हो, 1 2 3 4 5 पॉइंट मेथड आपको अगर याद हो तो उसमें एक ही स्ट्रिंग पे हम खेलते थे। अगर उसमें चार पांच स्ट्रिंग आ जाए ना, जैसे कि एग्जांपल दूंगा मैं, तो आप खेल नहीं पाओगे पॉइंट मेथड से। तो उसके लिए जो मेन आएगा वो आएगा टेंशन मेथड। क्या आएगा? टेंशन मेथड। मैं आपको बता दूं कि ये आपको याद रखना है कि वर्क डन बाय द टेंशन, वर्क डन बाय द नेट वर्क डन बाय द टेंशन विल बी इक्वल टू जीरो। ये क्या लिखा है मैंने, ये वर्क डन होता है किसी भी फोर्स का, वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन will be equal to force multiply by the displacement multiply by cos theta, और theta होता है angle between force and displacement। इसको हम लिख सकते हैं f vector dot x vector। x क्या है? displacement vector, f क्या है? force vector। और इसीलिए हम इसको लिखते हैं क्या, f, क्योंकि dot product है तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं f into x into cos theta। और theta क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पे फोर्स कौन सा है? टेंशन फोर्स है, इसलिए हमने टेंशन मल्टीप्लाई बाय टेंशन वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हमने यहां लिखा है। यहां पे छोटा सा ही सिस्टम है, अगर इसमें हम प्रूव करना चाहें इस बात को तो हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पर इसको देखो, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको यहां पर क्या मिलेगा, T1.V1 + T2.V2 + T3.V3 will be equal to zero। समझ आ रही? ऐसे इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको मिलेगा T1.A1 T2.A2 + T3.A3 + equal to zero। तो यहां पे चाहे x हो, चाहे v हो, चाहे a हो, सब क्या होगा, सबके साथ में हम ये डॉट निकालेंगे और इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। जैसे यहां इस एग्जांपल में देखो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूं खुद नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल कराऊंगा वहां पे समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज बिल्कुल वर्क पावर एनर्जी में हम चीजों को पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा और समझने की जरूरत है भी नहीं। समझ आ रही है? एक चीज जो मैं बता रहा हूं बस वो याद रखेंगे, मैं दो चार एग्जांपल कराऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। इधर देखिए, ये देखो इस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं इसमें। अगर देखें तो कितने पार्टिकल्स हैं इसमें, इसमें है दो पार्टिकल्स। तो देखो सिंपल, आप देखो इस M2 को देखिए, इसका एक्सेलरेशन किधर है? इधर। इस पर टेंशन किधर है? ऊपर। इसका मतलब अगर इसके लिए, इसमें दो पार्टिकल है तो हम ये लिखेंगे T1.X1 + T2.X2 = 0। अब यहां पे A दे रखा है, A में रिलेशन निकालना है, इसलिए यहां पे क्या A, ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना। ये देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इसको देखिए, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए देख लेते हैं, चलो M1 के लिए। तो M1 में टेंशन किधर? ऊपर T, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? ऊपर की ओर ही। तो हम अगर इसे लिखेंगे कि M1 के लिए T1 की वैल्यू कितनी है? T, और A1 की वैल्यू कितनी है? A, और cos, क्योंकि cos एंगल बिटवीन T एंड A, यहां पे एंगल बिटवीन T एंड A क्या है? जीरो। तो cos जीरो, समझ आ रही है? cos जीरो का मतलब वन, समझ आ रही है? तो यहां पे प्लस वन आ गया, प्लस वन मल्टीप्लाई में तो ये प्लस आ गया, समझ आ रही है? और यहां पे हम लिखेंगे T2, इस सेकंड पार्टिकल के लिए T2 किधर है? ऊपर, जिसकी वैल्यू कितनी है? T into A2, A2 किधर है? नीचे, जिसकी वैल्यू कितनी है? A, और cos एंगल बिटवीन T2 एंड A वो क्या है? 180। तो यहां पे क्या आ गया, ये cos 180 की वैल्यू -1, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाता है? -1। और ये ऑटोमेटिकली देखो जीरो आ रही है, ये और ये क्या आ रही है? जीरो आ रही है, समझ आ रही है? वो मैंने यहां तो प्रूव किया, ऐसा आ गया, ठीक है। मैं आपको एक क्लियर बात बता रहा हूं, ये T1.T1 vector + T2.A2 vector से घबराना नहीं है, आपको थीटा भी चेक नहीं करना, आपको बस ये देखना है अगर उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन या वेलोसिटी उसके टेंशन की डायरेक्शन में है तो उसको लिखेंगे प्लस, अगर उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टेंशन के ऑपोजिट है तो उसको लिखेंगे माइनस। सिंपल, अगर उस पार्टिकल का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन टेंशन के ऑपोजिट है तो हम क्या लगाएंगे? माइनस। अगर उसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन टेंशन के अलोंग है तो उसमें क्या लगाएंगे? प्लस। बस देखो सिंपल एक क्वेश्चन करते हैं बिना टेंशन के,
अपन को टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन लिया है जिसमें क्या लिया था, मान लीजिए ये अपना क्या है 20 kg, ठीक है, ये अपना क्या था 5 kg, यही तो था। अब आप मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन इधर क्या है, मान लीजिए a1, और इसका एक्सेलरेशन इधर मान लीजिए आपने क्या मान लिया a2, और a1 a2 में आपको रिलेशन चाहिए। तो सिंपल, कुछ नहीं करना, अगर इसमें टेंशन t है तो ये t, इसमें टेंशन t, इसमें टेंशन t, यहां पे टेंशन कितना, यहां t t, तो ये 2t। इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक 5 kg का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर, कितना a2, और इसका इस पर टेंशन कितना है ऊपर 2t। इस पे देखिए, इस 20 kg पर 20 kg का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है, इसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, कितना a1, और इस पर टेंशन किधर है ऊपर, इस पर टेंशन ऊपर ही तो है, इस रस्सी इसको इस एरो की डायरेक्शन में ही तो खींचेगी, और वो t है ऊपर। अब इन दोनों के लिए मुझे लिखना है क्या, वर्चुअल वर्क मेथड अप्लाई करना है। तो सिंपल, कुछ नहीं, पहले इसको देखो, इस पर टेंशन ऊपर, a1 नीचे, पहले तो मैग्नीट्यूड दोनों के लिख लो, t मल्टीप्लाई बाय a, ये क्या है a1, बट हमको क्या करना है, यहां पे माइनस लगाऊंगा प्लस, माइनस यहां पे क्या लगाऊंगा, मैं माइनस लगाऊंगा, क्योंकि टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, इसलिए मैं माइनस, प्लस दूसरा पार्टिकल पे पहुंच जाओ सी सिस्टम के, इसका एक्सेलरेशन ऊपर, इस पर टेंशन ऊपर, देन वी कैन से ये टेंशन कितना है 2t, एक्सेलरेशन कितना है a2, तो पहले तो ये लिख लो t 2t मल्टीप्लाई बाय a2, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, टेंशन की डायरेक्शन इस पे ऊपर है, देखो टेंशन की डायरेक्शन इस पे ऊपर है, और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, इसलिए क्या होगा यहां पे प्लस, और इसको किसके इक्वल, जीरो। तो देखो रिलेशन क्या है, माइनस a1 प्लस 2a2 इक्वल टू जीरो, तो a1 इक्वल टू 2a2, यही रिलेशन क्या आया था, हमने पॉइंट मेथड से निकाला था, यही रिलेशन हमने पॉइंट मेथड से निकाला, समझ आ रही है। तो ये तो बहुत आसान है, आपको कोई पॉइंट वर्ड नहीं मानना, सिंपल आपको टेंशन देखना है। मैं आपको टफ से टफ क्वेश्चन कराऊंगा, वो पॉइंट मेथड से आप मुझे निकाल तो लोगे, लेकिन बहुत टफ पड़ेगा निकालना, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं रिलेशन निकालने के लिए, लिखिए, ये हमारा सेटअप है, इस सेटअप में आप देखिए कि इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन ए बी नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन ए सी ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन ए डी हमने मान लिया है ऊपर की तरफ, समझ आ रही है। और हमको क्या निकालना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी ए सी एंड ए डी। अगर इनके बीच में हमको रिलेशन चाहिए तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ वर्चुअल वर्क मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि हमें पता है नेट वर्कड बाय द टेंशन फोर्स ऑन अ सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो। समझ आ रही है, सिस्टम के कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4, कितने पार्टिकल्स हैं बोलो, हमारे ये पार्टिकल्स है 4, तो 4 पार्टिकल्स पे हम क्या लगा देंगे टेंशन मेथड। पॉइंट मेथड में अगर इसे करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इतने सारे पॉइंट मानने पड़ेंगे और इसमें बहुत झंझट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको देखो टेंशन मेथड में क्या करना है, ये देखो यहाँ पे टेंशन अगर टी मान लिया तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा टी होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक ही है, ये स्ट्रिंग एक ही है, कहां तक, यहां तक एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना टी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो यहाँ कितना 2t, ऐसे ही यहां अगर t है तो हम कह सकते हैं यहां पे कितना t/2, यहां पे कितना t/2, ठीक है, और यहां पे t/2, तो यहां पे भी कितना t/2, तो यहां पे कितना t, यहां पे देखो यहां से स्ट्रिंग क्या एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, तो यहां हम कह सकते हैं यहां भी कितना t/2, यहां भी कितना t/2, और यहां कितना बोलो t, क्योंकि t/2 कितना t। तो बस अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ये देखो ए वाले पार्टिकल को देखिए, ये क्या है, मान लीजिए ए है, तो ये ऊपर टेंशन है इस पे, और एक्सेलरेशन किधर है ऊपर की तरफ। बी को देखो, बी पर टेंशन किधर है ऊपर की तरफ 2t, एक्सेलरेशन किधर है नीचे की तरफ। सी को देखो, सी पर टेंशन ऊपर की तरफ है टी, और एक्सेलरेशन भी किधर है ऊपर की तरफ माना है। डी को देखो, डी को देखो तो डी पर टेंशन किधर है ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन भी किधर है ए डी ऊपर की तरफ। तो वर्चुअल वर्क मेथड से हम क्या कह सकते हैं कि t1.a1+t2.a2+t3.a3+t4.a4 will be equal to 0, ठीक है ना।
फर्स्ट वाले को देखिए, क्योंकि इसमें चार पार्टिकल है, इसलिए मैंने चार इसमें क्या लिखी है, ये चार ये लिखा है मैंने, चार इसकी टर्म्स लिखी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले को देखिए, इसका टेंशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, बात समझ आ रही है। मैं क्या कहूँ, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर, टी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस आएगा या माइनस, प्लस, क्योंकि टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो हम कह सकते हैं इसकी जगह हो जाएगा प्लस टी इंटू ए ए। अब टी टू इसको देखो, इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और टेंशन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब कहेंगे कि मैग्नीट्यूड कितना है, 2t मल्टीप्लाई बाय ab, बट टेंशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसलिए एक माइनस साइन आएगा, समझ आ रही है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, इसलिए यहां पे जो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है आपका टी टू इंटू ए टू कॉस थीटा। थीटा क्या है, टी टू और ए टू में एंगल, ठीक है। तो हमको अगर इनकी डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, तो हमको बस एक माइनस साइन लगा देना है, सिंपल। तो 2t इंटू ए बी, 2t इंटू ए बी, और यहां पे माइनस साइन, माइनस साइन क्यों, क्योंकि इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट। इसको देखो, टेंशन ऊपर एसी ऊपर, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि प्लस हम टेंशन t इंटू एसी, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। यहां पर देखिए, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो डायरेक्शन इसकी भी हम क्या लेंगे, मतलब यहां पे भी साइन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि टेंशन और एडी ऊपर ही है, तो हम कह सकते हैं यहां पे भी पॉजिटिव टेंशन इंटू एडी विल बी इक्वल टू जीरो। देखो, टेंशन से टेंशन गया हर जगह से, तो यहां से रिलेशन आया ए ए माइनस टू ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी इक्वल टू जीरो। ये रिलेशन निकालने के लिए पॉइंट मेथड से ना आपके तोते उड़ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। इसलिए मैं तो कहूंगा कि आज के बाद इसी चीज को यूज करेंगे, इसके दो तीन क्वेश्चन में और करा रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या पूछ रहा हूं इसमें, देखिए इसमें क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg निकालना है, जो कि आप ए मान लो, और एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg आपको निकालना है, जो कि आप बी मान लो, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया बी माना है, और इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंशन मेथड से ए और बी में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। यहां टेंशन कितना टी, 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 क्योंकि ये ए की स्ट्रिंग है, ए की स्ट्रिंग है, ए की स्ट्रिंग है, ए की स्ट्रिंग है, तो टेंशन क्या होगा सेम। यहां टी, यहां टी, तो यहां कितना बोलो 2t, यहां टी, यहां टी, तो यहां कितना बोलो 2t, यहां टी, यहां टी, तो यहां कितना 2t, ठीक है। ऐसी देखो, यहां टी और यहां टी, तो यहां कितना 2t, यहां टी और यहां टी, तो यहां कितना 2t, यहां टी, तो यहां भी कितना टी, ऐसा कुछ हो गया है। अब तुम खुद सोचिए कि इसकी बात करें, इस वाले पार्टिकल की बात करो, अब इस वाले पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, ये पार्टिकल है 10 kg वाला, ये किधर जा रहा है, इधर कितने एक्सेलरेशन से, बी से, जब इस पर टेंशन इधर कितनी है बोलो, 2t 2t 2t, कितना 60 के लेफ्ट में टेंशन है, लेफ्ट में। अगर मैं बात करूं 5 kg वाले पार्टिकल की, तो इसका एक्सेलरेशन इधर है और इसकी टेंशन इस पर किधर लग रहा है, इधर राइट में, 2t 2t एंड टी, कितना 5t। तो दोनों के लिए क्या लगा दो, वर्चुअल वर्क मेथड, दो पार्टिकल है इसमें, तो क्या लगाएंगे, T1.A1 + T2.A2 = 0। TA1 इसको देखो, इस पर टेंशन कितना 5t, एक्सेलरेशन a, तो 5t मल्टीप्लाई बाय a, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे पॉजिटिव। ये देखो T2 इस दूसरे वाले पार्टिकल को देखो, दूसरे वाले पार्टिकल पर टेंशन किधर है, इधर है, कितना 60, बट एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है ना, इसलिए क्या आएगा माइनस, तो हम कह सकते हैं माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से कह सकते हैं टी से टी गया, तो 5a इक्वल टू 6b, तो ये हमारा रिलेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। पॉइंट मेथड से आप निकालते तो बहुत सारे पॉइंट मानने पड़ते, तोते उड़ जाते, समझ आ रही है। अब देखो, इसके लिए इक्वेशन बना लो, और क्या करो, इसके लिए इक्वेशन बना लो, तो देखो इस पर इधर कितना फोर्स है 100 न्यूटन, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, 100 - 60 = इसका मास कितना है 10
इनटू इसका एक्सेलरेशन, तो ये इक्वेशन होगी मान लीजिए सेकंड। इसके लिए इक्वेशन बताओ क्या, इस पे फोर्स कितना है 5t, इधर है नेट फोर्स जिधर है उधर ही क्या एक्सेलरेशन लिया है, तो हम कह सकते हैं विच इज इक्वल टू इसका मास विच इज 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन a। तो ये आपकी हो गई ये क्या हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। यहां से क्या निकला t इक्वल टू a को यहां पे डालो, t इक्वल टू a निकला है ये, तो ऐसा करो कि t इक्वल टू a में a को t यहां पे डालो, यहां पे a को t डालो और यहां से b की वैल्यू निकालो t के फॉर्म में, तो यहां से b की वैल्यू निकलेगी आपकी 100 - 60/10, ठीक है ना। ये b की वैल्यू है यहां पे डालो, तो 6 × b 100 - 60/10, ये b की वैल्यू, तो यहां से t की वैल्यू आपकी निकलेगी वो कैसे, इस 10 को इधर ले जाओ तो 50t इक्वल टू 600 - 3060, सो इधर गया तो ये बचा, ये आपका हो जाएगा 50+, ये b था ठीक है, 50 + 36 86, टी इक्वल टू 600, तो टी इक्वल टू आपका आ गया 600/86 न्यूटन। सो टेंशन आ गया तो हम कह सकते हैं यहां पे कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो टेंशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना 600/86, ये ए का मैग्नीट्यूड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और बी कितना है, बी यहां से देख सकते हैं कि b इक्वल टू 5/6 × a, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से b इक्वल टू लिख सकते हैं 5/6 × 600/86 m/s² तो यहां से ये b की भी वैल्यू अपनी आ गई, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड b a एंड t। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो टेंशन मेथड सीखा है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं टेंशन मेथड और एक्सेलरेशन निकालने वाले, ठीक है ना। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो सिंपल, इसमें टेंशन मैंने मान लिया t, तो इसमें भी कितना हो जाएगा t, क्योंकि स्ट्रिंग a की है तो इसमें भी कितना t, तो यहां पे बोल सकता हूं क्या हो जाएगा 2t, ये t तो 2t, ठीक है। यहां देख सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन मैं मान लीजिए a मान लिया और इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया b, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, मैं ये कह सकता हूं क्या, इसके लिए अगर इक्वेशन बनाऊं तो क्या बना सकता हूं, t इक्वल टू t, इधर नेट फोर्स है इस पे, ठीक है ना। इसकी FBD बनाओ, FBD कैसे बनाएंगे, इधर कितना है t है, इसका 5 kg, ठीक है, एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × a। वर्टिकल वाले अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, इसलिए मैंने वर्टिकल वाले लिखे नहीं है। नॉर्मल इसका किसके इक्वल हो जाएगा 5g के इक्वल, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं एक्सेलरेशन ही लिख रहा हूं। तो हम कह सकते हैं कि इधर कितना t, ये हो गया 5 kg, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × a, समझ आ रही है। यहां पे देखो इस पे नीचे कितना लगेगा 10 × g, तो इसके लिए अगर FBD बनाओ तो हम कह सकते हैं ऊपर 2t, नीचे कितना 10g, एक्सेलरेशन नीचे कितना b, तो हम कह सकते हैं नेट फोर्स हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लिखेंगे विच इज 10g - 2t इक्वल टू मास इसका कितना है बोलो 10 kg, तो 10 × b इसका एक्सेलरेशन। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या, वर्चुअल वर्क मेथड, टेंशन मेथड, ठीक है ना। उसमें हम कह सकते हैं कि क्या लगाएंगे हम, यहां पे दो पार्टिकल है तो हम लगाएंगे t1 vector.a1 vector + t2 vector.a2 vector शुड बी इक्वल टू 0। क्या है ये, नेट वर्क डन बाय द टेंशन 0, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे अब देखो ध्यान से, यहां से हम देखो लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, ये t1 क्या है, ये t है, ये देखो इस पर t लगा है और इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही माना है, तो t × a, और यहां पे प्लस, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड टेंशन की डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहां पे देखो, इस पे देखोगे तो इसका टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, इसलिए एक तो माइनस आएगा, टेंशन का मैग्नीट्यूड 2t एंड एक्सेलरेशन कितना b, तो हम यहां से कह सकते हैं a इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2b, ठीक है। तो यहां रखिए, यहां पे रख सकते हैं, यहां रखिए, तो t इक्वल टू क्या आ गया 5 × 2b,
तो यहां से टेन बी क्या आ गया आपका टी। इसको अगर मैं यहां पे रखूं तो देखो क्या आएगा, टेन जी माइनस टू टी इक्वल टू टेन बी की जगह मैंने क्या रख दिया टी, तो ये टू टी इधर जाएगा तो ये बनेगा थ्री टी, तो टी इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन जी बाई थ्री, तो ये हो जाएगा हंड्रेड बाई थ्री न्यूटन। ठीक है, और यहां से जब ये आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हम यहां से टी कितना आ गया हमारा 100 बाई 3, और इसको टी 10 इंटू बी के इक्वल करेंगे तो बी इक्वल टू आ जाएगा 10 बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब बी 10 बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ए विल बी इक्वल टू 10 बाई 3 20 बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए। सो यहां देख सकते हैं कि एक्सलेशन ऑफ 4 केजी मान लो ए मान लिया, एक्सलेशन ऑफ 2 केजी मैंने बी मान लिया, एक्सलेशन ऑफ 10 केजी मैंने सी मान लिया, और हमको स्ट्रिंग में टेंशन भी निकालना है। तो मान लीजिए ये है ए और ये मैंने क्या माना है बी और ये क्या माना है मैंने सी, समझे। तो अब अगर देखा जाए कि इसमें अगर टेंशन में टी लेता हूं तो हम कह सकते हैं यहां भी टेंशन टी और यहां भी टेंशन कितना टी और यहां भी कितना टी, यहां पर कितना टेंशन हो जाएगा 2t, और अगर मैं इसकी बात करूं 10 kg की तो इस पे नीचे कितना फोर्स बोलो 10 into g मतलब 100 न्यूटन नीचे mg। ठीक है ना, अब एक एक क्वेश्चन को अगर देखें मतलब 4 kg को देखें, यहां पे देखो 4 kg, तो 4 kg पर अगर देखा हमने तो इधर टेंशन t है और इधर ही क्या है एक्सेलरेशन, मतलब इधर क्या है फोर्स इस पे t है और इधर एक्सेलरेशन है, इसका मास कितना है 4 kg, तो हम लिखेंगे t इक्वल टू 4 into a, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है ना, वर्टिकल वाले अपने आप क्या कर लेंगे बैलेंस कर लेंगे, ये वर्टिकल में इसका मूवमेंट है नहीं, इसका मतलब जो नॉर्मल इस पे ऊपर की तरफ लगेगा वो इसके 4g को बैलेंस कर लेगा। ठीक है ना, तो वो हमको निकालना नहीं है। अगर मैं देखूं इसके लिए तो इसके लिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा टी इस पर क्या है नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, ये एरो क्या बता रहा है इस वाले पार्टिकल पर इधर फोर्स टी, और इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन लिखना है और वो कितना दे रखा है बी, तो मास इनटू इसका बी और बी क्या है एक्सेलरेशन, तो ये गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन यहां से बनेगी, तो ये 10 केजी आपका क्या है 10 केजी, 10 केजी पर ऊपर की तरफ कितना है 2t, देखो ये एरो ऐसे बनाया है स्ट्रिंग पे, इसका मतलब इस 10 केजी को ऊपर की तरफ कितने फोर्स से खींचने की कोशिश हो रही है 2t फोर्स से, और नीचे कितना है 100 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन कितना माना है मैंने c, समझे। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हमने c मान लिया है, तो इसके लिए इक्वेशन मैं क्या बनाऊंगा, इसके लिए मैं इक्वेशन बनाऊंगा 100 यहां पे बना देता हूं 100 नीचे की तरफ माइनस 2t, ये क्या है नेट फोर्स नीचे की तरफ, नेट फोर्स नीचे की तरफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ विच इज c, सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। बट हमको पता है कि वेरिएबल कितने हैं 1 2 3 4, फोर वेरिएबल है, बट हमको फोर वेरिएबल है तो फोर इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन आएगी हमारी कंस्ट्रेंड मोशन से, और कंस्ट्रेंड मोशन में मैंने सबसे आसान तरीका आपको क्या बताया है वर्चुअल वर्क मेथड। तो अब देखिए वर्चुअल वर्क मेथड यहां पर कैसे लगाएंगे, सिंपल, हमको पता है कि तीन इसमें पार्टिकल है सिस्टम में पूरे में, तो हम लिखेंगे t1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर प्लस t2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर प्लस t3 वेक्टर डॉट a3 वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 t into a, ये देखो इस पर टेंशन इधर एक्सेलरेशन इधर, तो t into a प्लस या माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि टेंशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है सेम है। यहां देखिए t किधर है इस पे, देखो इस पे t किधर है इधर है, और इसका एक्सेलरेशन भी क्या है इधर, तो हम कह सकते हैं इसके लिए भी t into b लिखूंगा, t into b लिखूंगा, बट डायरेक्शन क्या है दोनों की एक साइड में है, मतलब t और b में एंगल कितना है, मतलब टेंशन 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 में और एक्सेलरेशन में एंगल क्या है बोलो जीरो, इसलिए यहां पे cos 0 और यहां पे प्लस ही आएगा। ठीक है ना, प्लस t3 इसके लिए देखो, तो इसका टेंशन ऊपर की तरफ है कितना 2t, तो टेंशन तो ऊपर की तरफ 2t, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जो कि c, तो यहां पे बेसिकली माइनस आएगा, माइनस क्यों, क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ है इस पे और नीचे क्या c है, इसलिए यहां पे माइनस आया इक्वल टू 0।
तो यहां से देख सकते हैं टी से टी से टी गया, तो यहां से ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू क्या है सी। अब देखो यहां से ए की वैल्यू बताइए क्या, यहां से ए की वैल्यू बोल सकता हूं मैं टी बाई फोर, तो यहां पर टी बाई फोर रखो, ठीक है। यहां पर बी 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 से यहां पर बी की वैल्यू कितनी है टी बाई टू, तो यहां से टी बाई टू लिखो। सी की वैल्यू बोलो, सी की वैल्यू यहां से देखो 10 डिवाइड करो, 10 डिवाइड करो तो 100 माइनस 2t अपॉन 10 क्या होगा c, तो 100 माइनस 2t अपॉन 10 ये हो जाएगा c, समझे। तो हमने ऐसे लिख दिया, यहां से हमारा t मिल जाएगा। तो देखो t कैसे मिलेगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां पे देखो हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई 10t अपॉन 4 प्लस 10t अपॉन 2 इक्वल टू 100 माइनस 2t। तो देखो इस 2 से ये 5 टाइम गया, इससे ये 2.5 टाइम गया, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 2.5 विच इज 7.5 इंटू टी इक्वल टू 100 माइनस 2t। अब 2t इधर आया तो कितना हो जाएगा ये 9.5 इंटू टी, ठीक है 9.5 इंटू टी इक्वल टू 100, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बाई 9.5 न्यूटन। तो आपका जब t मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, और यहां से t मिल गया तो क्या c भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो, लिखो। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन आपको एक्सेलरेशन ऑफ 200 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ये आपको निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ 200 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg, ठीक है। तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 200 kg, ठीक है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनमें टेंशन भी आपको निकालना है, तो ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि इफ आई टेक एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ 200 केजी बी, ठीक है, तो हम देखो क्या कर रहे हैं कि इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद बी एक्सेलरेशन एंड इट इज मूविंग, हमने ये अज्यूम कर लिया कि मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में कुछ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मान लीजिए इसमें टेंशन आप टी और इसमें टेंशन टी है, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, ऐसा करते हैं टी यहाँ पे नहीं मानते, हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे टेंशन क्या मान लिया आपने टी, यहाँ पे जब टेंशन टी तो ये देखो स्ट्रिंग ए की है, ये स्ट्रिंग ए की है, देन वी कैन से दिस इज ऑल्सो टी, ठीक है, एंड इफ दिस इज टी देन वी कैन से यहाँ पे टेंशन कितना 2t, और यहाँ पे 2t टेंशन है तो हम कह सकते हैं ये पूरी स्ट्रिंग ए की है, देन वी कैन से दिस इज 2t एंड यहाँ पे 2t और यहाँ पे 2t देन वी कैन से यहाँ पे कितना 4t एंड यहाँ पे 4t तो ये भी 4t हो जाएगा, समझ आ रही है, क्योंकि क्या है स्ट्रिंग क्या है एक ही है, सो हमको ऐसे समझना होगा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से कि अगर देखा जाए इस 200 kg को तो इस पर नीचे कितना है 200 g नीचे की तरफ एंड इसको देखा जाए तो इस पर नीचे की तरफ कितना है 10 g नीचे की तरफ, ठीक है ना। अगर मैं 10 kg को देखूं 10 kg तो 10 kg का अगर मैं FBD बनाना चाहता हूं 10 kg का तो 10 kg पर ऊपर फोर्स कितना है बोलो, ऊपर है टेंशन, टेंशन स्ट्रिंग लगा रहा है, ये एरो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये एरो बताने की कोशिश कर रहा है कि इस साइड में जो पार्टिकल कनेक्टेड है उस पर कितना फोर्स है टी के इक्वल, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर नीचे देखें तो नीचे इस पर कितना है 10 जी मतलब 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है ना, एंड इसका एक्सेलरेशन हमने कितना मान रखा है ए, तो अगर इसके लिए इक्वेशन लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ माना है तो हमको ऊपर की तरफ नेट फोर्स लिखना पड़ेगा और ऊपर की तरफ नेट फोर्स क्या होगा टी माइनस 100 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 10 केजी एंड एक्सेलरेशन इज ए एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इफ आई वांट टू ड्रॉ द एफबीडी फॉर द 200 केजी देन यू कैन सी दिस इज 200 केजी, दिस इज 200 केजी एंड हमने क्या कंसिडर किया है कि इट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ acceleration b, ठीक है, and if I see in this direction you can see the gravitational force is 2000 newton, gravitational force is 2000 newton and now you can see in upward direction
देयर इज टेंशन, कितना है इस पे टेंशन, देखो टी ये टेंशन, 2t ये टेंशन, 4t ये टेंशन, क्यों कितना हो गया 4t प्लस 2t प्लस t विच इज इक्वल टू 7t, कितना हो गया 7t आपका टेंशन हो गया, ठीक है। तो 7t ऊपर टेंशन, नीचे की तरफ जा रहा है ये, तो हमको नीचे की तरफ नेट फोर्स लिखना पड़ेगा और वो है 2000 माइनस 7t इक्वल टू 200 इंटू बी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, लेकिन हमारी इक्वेशन कितनी आई है, दो इक्वेशन, देन वी नीड वन मोर इक्वेशन। तो यहाँ देखिए वन मोर इक्वेशन किससे आएगी, इससे आएगी ए और बी में रिलेशन, और ए और बी में रिलेशन निकालना हम सीख चुके हैं किससे, वर्चुअल वर्क मेथड से निकाल लो, या फिर आप जो हमारा पॉइंट मेथड बताया था उससे निकाल लो, या फिर ए पी इक्वल टू ए ए प्लस ए बी अपॉन टू से निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, समझ आ रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे वर्चुअल वर्क मेथड लगाएंगे, टेंशन मेथड जिसको मैंने बोला था, ठीक है ना। तो हम टेंशन मेथड, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है, पूरा वर्चुअल वर्क मेथड है, ठीक है। तो टेंशन मेथड अगर यहाँ पे लगाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या होगा, यहाँ पे कितने पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल हैं, ये जो पुलीज है सारी मासलेस है, तो इनको पार्टिकल में कंसिडर नहीं करते। तो ऐसा मत मानिएगा पुलीज तो भी तो है, पुलीज नहीं है, पुलीज क्या मासलेस है, उनका तो कोई बस मासलेस है, ऐसे स्ट्रिंग मासलेस है, तो इसमें पार्टिकल वही माने जाते हैं जिनके पास मास होता है, ठीक है ना। इफ आई सी कि देखो अगर मैं टेंशन मेथड लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, और वो क्या देख सकते हैं कि दो पार्टिकल है, तो T1 dot A1 plus T2 dot A2 should be equal to 0, ठीक है। ये क्या था, वर्चुअल वर्क मेथड, ठीक है। अब T1 और A1 इसको देख लो, यहाँ पे अगर देखा जाए इस पार्टिकल 10 kg, इस पर टेंशन ऊपर और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर, इसका मतलब T into A, अब जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे प्लस, और टी अब सेकंड पार्टिकल पे जाओ तो सेकंड का टेंशन ऊपर बट एक्सेलरेशन नीचे, तो क्या होगा, इनकी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए यहाँ पे माइनस, और 7t इंटू बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से टी गया और यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है अपना 7b, तो दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो हमारी थर्ड इक्वेशन ये आ गया है, और जब थर्ड इक्वेशन आ गया तो हमको, मुझे लगता नहीं है कि कोई टेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा करो यहां से ए की वैल्यू और यहां से बी की वैल्यू यहां पे रख दो, समझ आ रही है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर ऐसा करो कि ए की वैल्यू यहां पे ले जाके रख दो, ए की वैल्यू यहां पे ले जाके रख दो, तो यहां पे ले जाके रख दोगे तो इन दोनों इक्वेशंस को फिर सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। तो ए की वैल्यू यहां पे ले जाके रख दो, लेकिन ज्यादातर आप ऐसा ही करिएगा, जहां ए और बी का रिलेशन है वहां पे ऐसा करिए कि ए की वैल्यू उठा के रखिए और बी की वैल्यू उठा के रखिए, तो आपको क्या मिलेगा, ओनली टेंशन में इक्वेशन मिल जाएगी, आपको टेंशन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं कहूंगा चलो ऐसा ही करते हैं, ए की वैल्यू यहां से उठा के रखते हैं, ठीक है ना, ए की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रखते हैं। तो ए की वैल्यू यहां से क्या है, ए इज टी माइनस 100 अपॉन 10, और बी की वैल्यू यहां से कितनी है बोलो, b की वैल्यू है 2000 माइनस 70 अपॉन 200, ठीक है ना। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, t माइनस 100 अपॉन 10 और 7 इंटू b की वैल्यू कितनी है बोलो, b की वैल्यू आपकी 2000 माइनस 70 अपॉन 200। नाउ यू कैन सी ये 10 से ये 10 कट गया, ठीक है ना। यहां से देख सकते हैं कि ये 20 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 20t माइनस 2000 इक्वल टू 7, इसमें मल्टीप्लाई होगा 14000 माइनस 49t। यहां देखो 49 इधर आएगा और 2000 उधर जाएगा, तो ये बनेगा 49 प्लस 20 विच इज इक्वल टू वी कैन से 69t इक्वल टू 16000। तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16000 अपॉन 69, ठीक है। ये आपकी टेंशन की वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई, तो आप क्या निकाल सकते हो, ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, 16000 बाय 69 माइनस 100 अपॉन 10, ये 10 से एक्चुअली इनको उड़ा दो, तो
यहां से देख सकते हो 1600 माइनस 690 अपॉन 69, देन वी कैन से इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कुछ 600 तो 1910 अपॉन 69, इतना क्या आ गया आपका वैल्यू ऑफ ए। एंड ऐसे ही यहां से बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इसमें यहां पे मैं कहूंगा कि आपको क्या रख देना है, टी का वैल्यू रख दो, तो यहां पे आपको बी का वैल्यू भी मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो लिखिए